1 minute, Raiko. I'll be giving you opportunity to you also. You go to your seat. I'll give you an opportunity to go to your seat. Number one, please. सुनने के लिए तैयार है तो धनी नहीं तो अदरवाइज ऐसे ही चलना पड़ेगा. पॉइंट इज मिस्टर डेरिक कबरन, यू लीडर हैज रेज्ड अ पॉइंट अबाउट प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, अदरवाइज आई हैव टू नेम पीपल, इट वोंट लुक नाइस. माय पॉइंट इज श्री डेरिक कबरन हैज रेज्ड अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर सेइंग सर ओनली वन बिल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द अदर बिल्स कॉपीज हैव नॉट इवन कम. आई सी द मेरिट इन व्हाट ही सेड. That's why I said, please, you don't want to hear anything, you want to create a disturbance like this, then I will have to ask the Home Minister to introduce other bills also. What he bills will create, second. देखो जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम नियम 2004 में संशोधन तथा जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक 2019 नाम को मैं प्रस्तावित किया है. संघ सरकार ने भारत के संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव लेकर मैं आया हूँ. यह आरक्षण अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग और सीमा के आरक्षण के अलावे ज्यादा 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया जाए. आरक्षण का उपयोग साफ जम्मू और कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और उसमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो बच्चों को देंगे, शिक्षा में भी देंगे, नौकरियों में भी देंगे. मंत्रिमंडल की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के अंदर ये सुधार करने के लिए संशोधन आदेश 2019 नामक 1 मार्च 2019 को जारी किया था. अब संविधान में संशोधन आदेश प्रभावी बनाने के लिए इस उद्देश्य से जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन लाने की जरूरत है. राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायी शक्तियां संसद के दोनों सदनों में निहित होती है. अतः जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 को संशोधित करने के लिए संसद के द्वारा दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाना बहुत जरूरी है. तदनुसार जम्मू और कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए भारत के संविधान के 103वें संशोधन को लागू किए जाने के प्रावधान के बारे में अर्थात जम्मू कश्मीर आरक्षण तीसरा संशोधन विधेयक 2019 ये सदन स्वीकार करे, ऐसे में सदन के सभी सदस्यों को फर्स्ट यू हियर मी व्हाट आई एम सेइंग. मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए. मैंने अनुमति दिया केवल मिस्टर वैको प्लीज, मैंने अनुमति दिया केवल आरक्षण के बारे में जो एलओपी ने कहा हमको भी आपत्ति नहीं है. जिसका कॉपी सर्कुलेट किया हाउस में रिजर्वेशन के बारे में कॉपी सर्कुलेट किया, मंत्री जी ने इंट्रोड्यूस किया, मैंने उनको चर्चा के लिए अनुमति दिया. बाकी जो 3 है वो अभी सर्कुलेट होने के बाद वो प्रस्ताव रखेंगे, बाद में चर्चा करेंगे. ये इसमें भी जहां सम्मति है उसके लिए भी तैयार है आप लोग, रिजर्वेशन के लिए भी. पूरा देश में रिजर्वेशन है, उसी रिजर्वेशन को जम्मू कश्मीर में
Shiva want to raise some point of order. Let him go to his seat. Let him go to his seat. I will just allow you. 1 minute, Rangupali. Rangupali, 1 minute, 1 minute. Let Shiva go to his seat. Sri Rangupali Yadav will be given mic. कैसा है रामगोपाल जी, ये बिल पहले से सर्कुलेट हो चुका था, सभापति महोदय ने इसकी परमिशन दी पहले, इसलिए मैंने प्रस्तुत करा है। वैसे बाकी तीन होते ये नॉन एंड वॉल ऑटोमेटिक हो जाएगा, 370 चाहते ये बिल ऑटोमेटिक कानून का हिस्सा बन जाएगा। Your numbers are coming and sitting here. Who can I do it? You can't have the cake and eat it again. Shiva, what is Shiva? Mr. Shiva, go to your seat, then I'll give you. Go to your seat. The answer is no. Sir, when 267 notice was given, sir, you said we can discuss everything on the bill, sir. And nothing is related with the bill and the resolution that was given. And later, sir, how many, sir, introduced two bills? After he introduced, he got the supplemental list of prisoners. It is totally unprecedented to Parliament. You are the protector of us. Protector of the privileges. You have not understood what I have said? No, sir. You have the calculator only later. Agreed. Only later. How could that be accepted? Agreed. Today. You are raising a point of order. You are raising a point of order. Even when the minister was introducing. Mr. Shiva. Mr. Shiva. You have raised a point of order. You want to hear my response? Sir, make a note of it. Yes. Sir, Mananiya Sadasya Sri Shiva ne kaha ki ye pehli baar ho raha hai, sadan mein aise kabhi hua nahi hai. Main batana chahta hu sahab, 38 baar, 38 baar is aaj ki nahi hai. Aur main aapke madhyam se, bhai baith jao. Main aapke madhyam se सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस सदन के रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं, हम तो जम्मू कश्मीर को, सभापति महोदय, यू गो टू योर सीट, आई विल नॉट अलाउ हिम, एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई विल नॉट अलाउ हिम, प्लीज गो टू योर सीट, यू आर अ डॉक्टर। मेरी बात समाप्त हो जाने दो, डॉक्टर बाद में उनको देंगे। डायरेक्ट मेरी बात समाप्त होकर आप बोलो। Let us try to understand the point of order raised by Derek Kobel and also the point of order raised by Shiva. What you just hear me, nah? You don't want to hear? You want to dictate? You want to dictate like this? You ask your members to come to their seats first. The point of order is the bill is not circulated. Discussion should not be there. I'm agreeing. But the reservation bill is already circulated. So let us first dispose the reservation bill. One. Secondly, now that all the bills are circulated, I will be asking the Home Minister to again introduce the bill. About the other three bills, you introduce again. Sabhapati Mahoday. सभापति महोदय,
बंद अथवा कोई कानूनी दस्तावेज निर्णय अध्यादेश आदेश उपनियम नियम विनिमय अधिसूचना नीति विवाद अथवा भारत के भूभाग के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौता जैसा कि अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अथवा न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति महोदय की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनः गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संदर्भित करने पर जम्मू कश्मीर पुनः गठन विधेयक 19 को स्वीकार करने का विचार व्यक्त किया है। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पर विचार किया जाए ऐसा अनुरोध करता हूं। प्लीज यू आस्क योर पीपल टू गो टू सीट, अदरवाइज आई विल नॉट गिव परमिशन। मिस्टर वाइको, वाइको, व्हाट यू वांट टू से प्लीज? मिस्टर वाइको, माइक टू बी गिवन टू मिस्टर वाइको। There is no emergency, only urgency. Try to understand this. Secondly, if you want to care to hear the chairman, once again I want to clarify, there seems to be confusion. Please hear me. What I want to say, then whatever you want to do. You don't want to hear, then I don't want to hear you also. Mr. Derek, you have to ask your members to sit in their seats. Then you can't create disorder and then ask point of order. How can these two things go together? So, for the sake of record, I want to say one thing. What I permitted the Home Minister is, first, to allow the reservation bill which has been circulated on Friday, which I have permitted. So, he has circulated today again and spoke about it. Agreed. Secondly, he started reading about other bills also, which were not circulated. That is the point of order raised by Siva. वो नहीं मिलती थी तो शायद ये जो फैसला लिया गया है ये लद्दाख के लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अभी रिएक्शन देखना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी तरीके से अभी साइडलाइन किया गया है। और ऐसे में जब तक उनका, क्योंकि हम लोगों ने राज्यसभा में देखा, लोकसभा में देखा किस तरीके का हंगामा हो रहा है, और यहाँ पे इस तरीके की स्थितियाँ ना हो, केंद्र सरकार को पता था कि वो क्या बिल लाने वाले हैं, क्या तब्दीली करने वाले हैं, और उसी के मद्देनजर स्थितियां खराब ना हो, इसलिए एक्स्ट्रा फोर्सेस यहां पे भेजी गई सुबह से लगातार। जिस वक्त 11 बजे ये गृहमंत्री जब बोल रहे थे संसद में, उस वक्त लगातार यहां पे ऊपर आर्मी के हेलीकॉप्टर भी लगातार मॉनिटर कर रहे थे। तो अभी ये कहना कि तस्वीर बदली है, किस तरह से ये चीजें आगे जाएंगी, क्योंकि अभी लोकल, क्योंकि यहाँ पे सारा इंटरनेट बंद है, टेलीवीजन बंद है, किसी को नहीं पता है, और चूंकि एक बहुत टेक्निकल मामला है, इसीलिए अभी फिलहाल कोई भी कहने से बचे। लेकिन जिस तरीके की बात, जिस तरीके से संकल्प बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया था, लगभग उसी के ऊपर चलते हुए ये सारी चीजें की हैं। रिएक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया है पार्लियामेंट में किस तरीके से बाकी पार्टीज अपोजिशन इसको लेकर जो नाराजगी जता रही है, विरोध है, लेकिन अब यहाँ पे किस तरीके के सूरत हाल बनते हैं, सरकार को पता था वो क्या करने वाली है, और यही वजह है कि इतनी ज्यादा फोर्सेज यहाँ पे बढ़ाई गई, जितने भी टूरिस्ट हैं उनको यहाँ से निकाला गया। કાશ્મીર માટે